नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टिप्स DKG में। दोस्तों, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हैं तो इन्होंने जो अभी नया नया अपडेट दिया है उसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, मंथली पैकेज लेनी होगी। अगर आप मंथली पैकेज नहीं लोगे तो आपका सिम कार्ड वो बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूँ आपका सिम कार्ड कैसे बंद होगा। अब आप मान लीजिए आपने 1 महीने का रिचार्ज कराया, आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया। अब जितनी आपकी वैलिडिटी है रिचार्ज की, उतनी आपकी सिम की भी वैलिडिटी रहेगी। मान लो आपने 1 महीने का रिचार्ज करा लिया तो 1 महीने आपकी सिम की वैलिडिटी रहेगी। वैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी। आपको जैसे खत्म होती है आपकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, आउट गोइंग 15 दिन के लिए इनकमिंग बंद हो जाएगी, 15 दिन के लिए आउट गोइंग। उसके बाद आपका सिम बंद कर दिया जाएगा। तो उससे पहले आपको है अगला रिचार्ज कराना होगा। उसमें रिचार्ज तो आप *121*51 करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको या तो 148 का करवाइए या आप 399 का करवाइए। सभी लोग हैं 148 का नहीं करा सकते हैं, 399 का नहीं करा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ₹10 का बैलेंस रखते हैं, ₹20 का बैलेंस रखते हैं, उसी से आप कॉल करते हैं और उनकी वैलिडिटी होती है 2021 तक होती है, 2022 तक होती है। और इसमें एक ऑफर और भी, उसमें आप ₹35 का रिचार्ज करा सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा ₹2600 का बैलेंस मिलेगा, प्लस में स्वयं भी डेटा मिलेगा 1 महीने के लिए। जैसे आप 1 महीने का खत्म होगा, आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाएंगी और आउटगोइंग भी बंद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही उपाय लेकर आया हूँ, अगर आप वो यूज करेंगे तो शायद आपकी वैलिडिटी है फ्री में 2021 या 2020 तक आराम से हो सकती है, जैसी मेरी भी हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना मैसेज बॉक्स है ओपन करना है। मैसेज बॉक्स ओपन करने के बाद में 1900 से जब हम पोर्ट का मैसेज करते हैं अपने एयरटेल सिम से, उसी प्रकार से आप जिस भी सिम का वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं उस सिम से आप पोर्ट का मैसेज कर दीजिए। 1900 पर पोर्ट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने मोबाइल नंबर लिखिए, आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने के बाद में आपके पास आपका पोर्टिंग कोड आ जाएगा। आप कहीं भी उसको चेंज मत करवाइए, सिम को आप एयरटेल में ही रखिए। उसको आप 2 दिन का वेट कीजिए। 2 दिन के बाद में या तो आपके पास कंपनी का कॉल आएगा, कंपनी का कॉल नहीं आता है तो 2 दिन या 3 दिन का वेट कीजिए, आप 4 दिन का वेट कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से *121*2 डायल करके चेक कीजिए आपकी वैलिडिटी वहाँ पर। अगर आपकी वैलिडिटी वहाँ पर 100% है दोस्तों, आपकी बढ़ी जाएगी। मेरी तो बढ़ गई है। अब आपकी मेरी बढ़ी है तो दोस्तों आपकी भी बढ़ेगी। आप वहाँ पर चेक कीजिए, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट कीजिए, 4 दिन का वेट कर लीजिए, 5 दिन का वेट कर लीजिए, आपकी वैलिडिटी है जो जरूर भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, एयरटेल वाला ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसका तो कुछ पता नहीं है। वो शायद अपने जो जितने भी एक्टिव कस्टमर हैं वो एक्टिव कस्टमर ही है रखना चाहता है। तो अगर आप उनके पास ये पोर्ट का मैसेज करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारा कस्टमर है दूसरी कंपनी में जा रहा है, इसलिए वो आपकी वैलिडिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है जो रेगुलर है। बहुत सारी ऐसी सिम है दोस्तों जो बंद पड़ी हुई है, एयरटेल वाला उन्हीं सिम को है बंद करने की कोशिश कर रहा है। आप इस प्रकार से पोर्ट का मैसेज करके अपनी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। पोर्ट का मैसेज करने के बाद आप 3 से 4 दिन का वेट कर लीजिएगा, तब तक के लिए आपकी वैलिडिटी है 2020 या 2021 तक बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी एयरटेल में वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।